वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 8, एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी। ये लाइन है एक्स वाई, ये पैरेलल है बी सी की, यानी बी सी और एक्स वाई लाइन पैरेलल हुई, तो फिर क्या हुआ, ई और एफ भी पैरेलल हो गई। ये जो पूरी लाइन है इसके पैरेलल हो गई। ओके, अब देखिए बी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, यानी कि बी ई ये लाइन ये पैरेलल है ए बी के, ए सी के, और सी एफ यानी ये वाली लाइन ये पैरेलल है ए बी के, ये इसके अंदर दिया हुआ है। ओके, और ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है, ये इसमें दिया हुआ है। आपको बताना है कि एरिया ऑफ ए बी ई यानी ए बी ई ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया, और एरिया ऑफ ए सी एफ यानी ये ए सी एफ यानी ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया समान है, बराबर है। देखिए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, और इस पैरेलल लाइन के ऊपर एक त्रिभुज है, कौन सा, ओके, और हमें पता है कि एक पैरेलल लाइन एक ही बेस पर, इसी बेस के ऊपर, ये जो बेस है बीई बेस है, इसके ऊपर एक ये ट्राइंगल है ए बी ई, और ये इन दो पैरेलल लाइन के बीच में है, ये पैरेलल लाइन और ये ए सी पैरेलल लाइन, तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा, ये जो कंप्लीट आपका पैरेललोग्राम है कौन सा, ए सी बी ए सी बी ई, ए सी बी ई का आधा है, हाफ ऑफ ए सी इज बराबर ये ट्राइंगल ए जो ए बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए सी बी ई, बिकॉज दिस ट्राइंगल इज ऑन दिस ट्राइंगल एंड दिस पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम लाइन, एक ही आधार रेखा पर स्थित है और दोनों जो है समान पैरेलल लाइंस के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में, इसलिए इसका एरिया जो है इसका आधा होगा। इसी प्रकार से आप इधर जब जाएंगे, ठीक है, तो ये लाइन आपकी है ए बी, ठीक है, ए बी, और ये आपकी सी एफ, ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी एफ, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, और ये जो लाइन है आपकी सी एफ ये इसके ऊपर ही आधारित है, सी एफ जो बेस लाइन है इसके ऊपर ये पैरेललोग्राम है और इसी के ऊपर ये त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा, ए सी एफ, ट्राइंगल ए सी एफ इज ऑन द सेम बेस, समान आधार रेखा पर है, जिस पर की समांतर चतुर्भुज ए बी सी एफ है, ए बी सी एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या है, आधा है, किससे, ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी एफ है इसका आधा है, ठीक है, ये इसका आधा है, इसका आधा है इसके बराबर, आधा, ये जो पैरेललोग्राम है इसका हाफ एक बटा दो इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। दो बातें हमारे समझ में आ गई, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया इसका आधा है और ये जो ट्राइंगल है ये इसका आधा। अब देखिए ये हमें पता लग गया कि दिस एंड इन दोनों का एरिया जो है वो, इसका एरिया जो है इस ट्राइंगल का एरिया इस चतुर्भुज का आधा है और इस ट्राइंगल का एरिया इस चतुर्भुज का आधा है। अब देखिए ये जो बी सी लाइन है, बेस लाइन है ये, इस बी सी लाइन के ऊपर एक पैरेललोग्राम है, ये कौन सा, बी सी वाई ई, ठीक है, बी सी वाई ई, ये एक पैरेललोग्राम है, पी जी एम,
पैरेललोग्राम बी सी वाई है। इस बेस के ऊपर है कौन से पे, बी सी पे, और ये जो है पैरेलल दोनों बताई गई है इसके अंदर ऊपर, और ये जो है ये भी पैरेलल है, बी सी और ई एफ भी पैरेलल है क्योंकि एक्स वाई और बी सी पैरेलल है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम ये है और इसी बेस लाइन बी सी के ऊपर दूसरा पैरेललोग्राम क्या है, बी सी ई एक्स। ठीक है, पैरेललोग्राम बी सी बी सी एफ एक्स बी सी ई बी सी एफ एक्स, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, और दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है, ये पैरेललोग्राम, ये दोनों एक ही बेस लाइन पे है और बिटवीन दी एक ही बेस लाइन के अंदर है। ये जो पैरेलल लाइंस हैं इन दोनों के बीच में दो पैरेललोग्राम हुए, एक ये और एक वाला ये वाला, तो इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है, इन दोनों का एरिया इक्वल है एज पर रूल। एक ही बेस के ऊपर दो पैरेलल लाइन बीच के अंदर सेम पैरेलल्स के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम होते हैं तो वो दोनों का एरिया समान होता है। ये हमें पता लग गया कि इस पैरेललोग्राम उस पैरेललोग्राम का समान है। इसी पैरेललोग्राम में यहां पर जो एस बी है इस बेस के ऊपर, एक तो पैरेललोग्राम है ये, आप इधर देखिए, अगर आप बेस लाइन इसको मानते हैं क्या है, बी ई। ठीक है, अब आप बी ई एक बेस लाइन लीजिए, पहले बी सी लिया था आपने यहां पर, अब बी ई, बी और ई बेस लाइन के ऊपर एक है आपका ट्रायंगल ये। ठीक है, कौन सा, ए बी ई, इसके ऊपर एक ट्रायंगल है ए बी ई, और इसी बेस के ऊपर ये जो हमने देखा अभी पैरेललोग्राम है बी सी वाई ई, तो ए बी ई सेम बेस पे है, उसी बेस पे जिस पे पैरेललोग्राम बी सी वाई है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसीलिए ए बी ई का एरिया जो है वो आधा होगा पैरेललोग्राम बी सी वाई ई का। इस पैरेललोग्राम का एरिया जितना है उसका आधा होगा इसका ए बी ये वाला, क्योंकि ये एक ही बेस लाइन के ऊपर हैं दोनों पैरेललोग्राम और ये ट्राइंगल। इसी प्रकार से इधर आप आइए, बेस लाइन ये लीजिए, ये सी एफ, सी एफ बेस लाइन के ऊपर ट्राइंगल कौन सा है, ए सी एफ, ट्राइंगल ए सी एफ है, ये किसका आधा है, ये आधा है ये वाला जो आपका पैरेललोग्राम है, कौन सा, बी सी एफ वाई। ठीक है, ये आधा है बी सी एफ वाई, ये वाला इस ट्राइंगल का आधा है, ये वाला इस पैरेललोग्राम का आधा है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम बराबर हैं, कौन सा, ये और ये, और इसके ऊपर जो है स्थित जो है ट्राइंगल है ये भी बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका आधा है, ये ट्राइंगल जो है इसका आधा है और ये वाला ट्राइंगल इसका आधा है, इसीलिए क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम बराबर है इसके ट्राइंगल भी आधे आधे हो जाएंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल कौन सा, ये जो ट्राइंगल है ए बी ई, और ट्राइंगल दूसरा कौन सा हुआ, इसमें कौन सा हुआ, ए सी एफ, आर इक्वल इन एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ आर इक्वल, दोनों का एरिया इक्वल है। क्वेश्चन में ये पूछा है, सो दैट एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए सी एफ, ये सिद्ध हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है इसके लिए आप देखिए, ये नेक्स्ट जो ये पेज है इसको पोज करके पढ़ लीजिए और उतार लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए चाहे तो, और इसके बाद जो है ये इसका नेक्स्ट पेज, दो पेज के अंदर इसका आंसर दिया गया है, आप दोनों को स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।